200 ट्रैक्टर तो चला गया भैया का, कुछ गन्ने उसमें ही चले गए, अब कुछ गन्ने पंजे से उठाए जाएंगे, क्योंकि इसकी लिमिट इस तरह की है। देखो ये पूरा इधर नहीं आ पाता यहाँ तक, तो ये गन्ने जो है वो वहां से उस कूने से उठाता है। तो अब मुझे भी घुमा फिरा के ट्रॉली ऐसे हिसाब से लगानी पड़ेगी। दोस्तों हमारा जाल भी कट कट बोल गया था, तो जान ही बच गई, पता नहीं आज ये मशीन कैसे चला रहा यो हमारे का वीर। क्योंकि दोस्तों अब जो है जैसे जैसे सीजन निपटेगा ये ऐसी कमियां सामने आएंगी। और दोस्तों यहाँ खड़ा है एक एंटिक स्वराज 735। तो भैया जी नमस्कार जी, कौन सा गांव भैया? हमारा खनौता भाई। अच्छा जी, तो भैया ये कौन सा मॉडल है? ये है जी 93 मॉडल। आपके पास ही है जब से? हाँ जी। बड़ा प्रेम है आपको तो इससे। हाँ अपने टाइम का सबसे दमदार ट्रैक्टर यो ही आया था फोर्ड 3600 के बाद में। बहुत बढ़िया, तो ये तो सारी चीज ओरिजिनल लग रही है इसमें। दोस्तों पट्टी इसकी कभी नहीं टूटी, बहुत मजबूत पट्टी थी डबल सपोर्ट की। और दोस्तों बेशक हमारे घर में मॉडिफाई फोर्ड खड़ा है, लेकिन यो ही वो ट्रैक्टर था जिसने सबसे पहले फोर्ड का जो घमंड का मुकुट था वो धरती पर गिरा था, क्योंकि लोग इसे छोटा समझे थे। और ये झाड़ रहता इतना भूडा रहता क्योंकि लंबा लड़ने की क्षमता थी इंजन में, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा इंजन इस पर ही आया था। देखो बहुत ही जानदार, तो फोर्ड का जो रुतबा खत्म करा वो 735 नहीं करा था, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर। हाँ जी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये ना खुलते है जी ना। इसका तो रिकॉर्ड है, एक किसानी को बता रहा था नुका 48,000 घंटे चला, नुका अब ये छुट्टी काट रहा, अब 855 है उनपे। अच्छा, अनुका कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे 744 था करीब 26,000 तो वो भी चल गया जी, क्योंकि 10,000 कुछ घंटे तो चला के हमने दिया था और उन्होंने बहुत चला दिया। ये तो तेल पानी का ध्यान रखो जाओ, और ड्राइवर एक हो और दो तीन हो तो सारे होशियार हो, यो बात है। सबसे ज्यादा एज है जी इसकी, एज बहुत है। तो अभी रखोगे दोगे? यो यो जीवन का रस है जी, समझने की बात है, समझने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों मन आकर ट्रैक्टर ला के बंद कर लिया है, वे खाली पे वहां तुल रहे हैं, दूसरा कांटा बदल रखा है उन्होंने। और यहाँ से ट्रैक्टर दोस्तों ट्रोला बैक करेगा, इसे देखेंगे बैक करते हुए, क्योंकि दोस्तों इसमें कई तरह की असेंबली होती है, तो इसे देखेंगे किस तरह से बैक होगा। टिंग टोंग, रुक जा, कहाँ सिर पर चढ़ेगा हमारे, जम तो मनोरंजन के चक्कर में है यहाँ। चलो चलो चलो, फटफट आ लिया, कांटे हटा के चल दिया वो, क्योंकि दोस्तों यहाँ कांटे पे लगाने वाले ड्राइवर अलग ही रहते हैं। ये देखो साइड ब्रेक का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दो जगह से कनेक्टिंग घूम रही है वहां, देखो पीछे। अरे यहां देखो, ये देखो बिल्कुल वहीं गया जी, ये देखो साइड ब्रेक से कहां आया ट्रैक्टर, क्योंकि ये ट्रैक्टर को नहीं देख रहे, ये पिछले सेट को देख रहे, जहां भी आ जाए वो साइड ब्रेक से आ जाए चाहे बगैर उसके आ जाए। ये देखो अब ट्रैक्टर सीधा करेंगे, ए अब पूरा पीछे जाएगा। तो दोस्तों यही होता है कि जब ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक है, गियर है, साइड ब्रेक है, तो इनका इस्तेमाल है कहीं ना कहीं, ये समझने की बात है सारी, अनाड़ी पना नहीं होना चाहिए। देखो बिल्कुल स्लो पेट्रोला बैक करा, कोई रेस नहीं दी, कोई उठा उठा के नहीं पटका। ये देखो इसे कहते हैं ड्राइवरी का बेहतरीन नमूना। अब नु तोड़ने को आप 8-10 लाख का ट्रैक्टर, और वो देखो वहां जो पिछला धूरा बाड़ा है दोनों साइड में ऊंचाई थी वो उसमें अड़ सकता था, देखो वो भी देखा साथ के साथ ही। ये देखो जो पीछे का धूरा था वो बिल्कुल वहीं हटाया घुमा के। अब दोस्तों चलते हैं वहां, खाली में तुल नहीं रहे हैं अभी। ओहो ओहो, छीड़ होगी छीड़ होगी छीड़ होगी, वहां छीड़ होगी, कहीं भी नहीं हुई। दोस्तों ये देखो ये यहाँ ड्राम लगा दिए, ड्रामों का मतलब है के भरा हुआ और खाली बंद है। आज जो है दूसरा कांटा चला दिया इन्होंने इधर वाला, तो दोस्तों यहीं बंद कर लेंगे, क्योंकि अभी सेटिंग करने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, वही खोलना पड़ेगा बेटे, वही खोलना पड़ेगा। दोस्तों लाइन भी दूसरी खोल दी है, देखो वहां से
जो वो अमृत और हनी वाला जो 30-30 है फोर्ड, वो इस लाइन में आएगा। दोस्तों करना जा रहा है, देखो पीछे दत्ती रहा, देखा क्या खतरनाक इशारा करते उड़ रहा पूरा चार दांत है। दोस्तों पहली बार मील में ऐसा होने जा रहा है कि खल्ली का जाम लगेगा। ये देखो तीन तीन लाइन होगी, अरे ये धूप तापने में लग रहे सारे, क्योंकि दोस्तों कांटा बदला इन्होंने, ये लाइन बंद कर दी यहां से, और नए कांटे में इन्हें सेटिंग अपने हिसाब से एकदम चला नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो इन्हें गीत से गाने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों पापा जी जो है सोसाइटी में आ लिए हैं गाड़ी लेके, और भैया मिले हैं पापा जी के, और इनकी मित्रता पुरानी रही है। तो जी कर लो जी, राम राम जी। राम राम जी। हाँ मेरा नाम गुरुदेव सिंह है। हाँ जी हाँ जी, हमारे पूनिया साहब जो है हमारे बहुत पुराने परिचित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या घर जैसे संबंध है। और दोस्तों अपनी स्वराज फैमिली तो अपनी है ही सारी अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबूजी पापा जी ने जो है राम राम कर लिया है। दोस्तों आपसी प्यार इज्जत भाव ऐसे बना रहे। दोस्तों दुनिया में कुछ नहीं रखा, रुपए तो किसी के द्वारा दो ज्यादा दो कम है, बाकी इज्जत जो है प्यार मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों चलते चलते कांटे तक आ गए हैं। दोस्तों ये पुराना कांटा रहा है, तो यहाँ देखते हैं फार्म ट्रैक शॉट। ओ मेरी जान, घोड़ा दोस्तों 40 क्विंटल 64 किलो हो गए हैं, और बाकी मील बढ़िया चली रहा है। बस यू है थोड़ा सा यहाँ से दोस्तों कांटा चेंज हो गया है, देखो क्या कटोरी कटाकट चल रहा है। तो इधर से ये लाइन चेंज हो गई है, वो लाइन बंद हो गई है, वे कांटे में कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों चल पड़े हैं धीरे धीरे, और कटड़े भी देखे, एक से एक कटड़ा आ रहा है बेहतरीन। स्वराज खड़ा है 855, फिर इसके पीछे जो है सादा मैसी खड़ा है, राम राम जी। और फिर यहाँ 241 सोनाली और DI 60 और बढ़िया महिंद्रा 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 फार्म ट्रैक शॉट 333 फोर स्टार महिंद्रा 265 DI। यार 200 आने लग रहे हैं, महिंद्रा बहुत है हमारे मील में। तो दोस्तों इसी तरह से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए अपने काम को करें, फ्रेंडली बिहेवियर बढ़ाएं। अगर किसी बात में कोई शंका है तो उसकी तह तक पहुंचे कि परेशानी यहाँ बनी है तो क्यों बनी है, कि हमसे कोई गलत बात हुई है या दूसरे को कोई गलत फहमी हुई है। तो टोकन देंगे दोस्तों गेट पे इनकी, दोस्तों हर शिफ्ट में गिनती होती है इनकी, दो दो तीन तीन जगह गेट पे से कितने गए और यहाँ हमें कितने मिले। तो दोस्तों टोकन चला गया है, और यहाँ इसकी चेकिंग हुई है, जो बाहर सामान गया है। चारों तरफ दोस्तों कैमरे लग रहे हैं, अब जैसे मैं वीडियो बनाता हुआ चल रहा हूँ तो मेरी भी पूरा नज़र रखी जा रही है, और बाकायदा वीडियो चेक भी होती है कि कहीं मैं कोई मील के उसमें। तो दोस्तों एक काम करेंगे, यहाँ से नहीं चलेंगे, यहाँ जाम लग जाता है दोस्तों, घुमा के फाटक को ऊपर से लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से लेंगे घुमा के, पूरा इधर घुमा के ऐसे यहाँ से ऊपर देखते हुए, और यहाँ घुमा देंगे इसे, क्योंकि दोस्तों नीचे जाम लगेगा। लाऊं थोड़ा सामान सा लाऊं। दोस्तों विक्की ने कटा फिर दाब दिया यार, ये देखो ट्रैक्टर यहाँ सफाई कर रहा है, और ये देखें किस तरह से टूटी हुई है सड़क, पुल के ऊपर को आप टॉप गियर में नहीं जा सकते। और ये देखें दोस्तों ये एक बहुत बेहतरीन खाद है, तो ये पूरे पुल की सफाई कर रहे हैं। और दोस्तों सड़क जो है जल्दी रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि नीचे पानी ना निकल जाए, खराब ना हो जाए उसके लिए।
तो दोस्तों ये ऊपर का नजारा है यहाँ का, ये देखें ये ऑफिस है इस तरह के, कंटेनरों में बना रखे हैं। गर्मियों में इन्हें इनमें एसी चलाना पड़ता है क्योंकि ये ज़्यादा तपते हैं। वैसे इनके ऊपर सीट लगा रखी है बहुत अच्छी। तो ये देखें यहीं से हम गए और यहीं से हम आए, ये बाजार है। कितना शानदार ये, और ये भी मील की ज़मीन है इधर, और ये भी, ये सारी मील की ज़मीन है। अरे कहाँ खड़ी कर रखी हो जैसी भी, इसे पुल को ना तोड़ दियो, अभी फजी तो ही हो। देखे जो ये बारिश से, जो यहाँ से छीट, जो यहाँ से रोड पर से दोस्तों पानी की छीट लगती रही साइड में, ये देखे छीट तो सही कितना अड़ंगा। अभी इसमें झाड़ू चलवाएंगे, इसे बिल्कुल साफ करेंगे पुल को। दोस्तों हमारे मील के आसपास में सफाई बहुत रहती है, दुराला मील इस चीज में नंबर वन है। दोस्तों ये नीचे जो है गर्ल्स कॉलेज है, जो है हमारी माताएं बहने यहाँ अपनी जो है प्राविधिक शिक्षा लेती हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है। दोस्तों ये भी मील की जमीन है, ये भी शुगर मिल की ही जमीन है, बहुत बड़ी। अब दोस्तों इसमें मुझे रोड पे से घूम कर आके उस तरफ से आना है, इसी के पीछे वहीं पे मिल गोदाम है। ये कॉलेज है चौधरी मुख्तियार सिंह राजकीय महिला पॉलिटेक्निक दोराला मेरठ, और यहाँ भी इन्होंने सफाई करके नीचे उतार दिया है मलबा। दोस्तों मैं नीचे उतर लिया हूँ पब्लिक के बीच में। अब मोबाइल पर कम, ट्रैक्टर चलाने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। यो लो स्पेशल वाला गिर साहिवाल नंदी। दोस्तों चोपला क्रॉस नहीं करेंगे, इसी साइड में चलेंगे अपने उल्टे हाथ पे ही, पर थोड़ा ही चलना है। यहाँ सब खाने पीने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, काफ़ी साफ सफाई रहती है, बहुत सुबह से शाम तक बहुत पब्लिक खाना खाती है। देखें क्या बेहतरीन करना टाप मारता जा रहा है ताऊ जी का। दोस्तों मुझे इसी गेट में घुसाना है ट्रैक्टर, गेट वैसे काफ़ी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई के तीसरे में ट्रैक्टर बढ़ गया, लेकिन पीछे इतनी देर में जाम लग गया था। दोस्तों यहाँ बैंक भी है, ICICI है, और सहकारी गन्ना विकास समिति भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम धीरे धीरे यहाँ, दोस्तों यहाँ मैं पहले कटड़ों से ही पूरी टिटाल दफेरे में झोटा भगा के आया करें थे, झोटा भगाने का शौक था, तो इसी तरह से झोटा लेकर आया करें। तो देखो ये भी शानदार कड्डा बन रहा है। दोस्तों ये प्योद जो थी बरगद की हमारे सामने, लेकिन नीम तो काफ़ी पुराना है, तो यहाँ जो है हमें पीछे ही जाना है। दोस्तों अब मैं आगे ले चलूँगा, हमारा जो है खाद आगे मिलता है, बबलू भाई आगे ही खड़े हैं पापा जी। तो दोस्तों वही दिन याद आ गए, छोटा नॉन स्टॉप भगक रहा था, छोटे छोटे कटड़े भी लाए हम उनने। बस ले भैया, बस हो गया, तो बस हो गया। तो दोस्तों वहां भी नया निर्माण हो रहा है, और दोस्तों यहां से ही जो है किसानों को मल्चर और रेटून मैनेजर वगैरह जो है मिलते हैं किसानों को अपनी रेंच गन्ना बोने के लिए। दोस्तों ये देखो सोसाइटी का की तरफ से ले जाकर अपनी पत्ती जोत सकते हैं। विनोद कुमार, वीरेंद्र कुमार, दिल्ली वाले, शक्तिमान की रोटा है दोस्तों, ये स्प्रे मशीन है जो किसानों को मिलती हैं। और ये देखें रेटून मैनेजर है, साथ के साथ ही खाद भी डाल लेगी। और दोस्तों ये देखो ये गड्ढा विधि का बर्मा है, ये भी सोसाइटी से मिल जाएगा आपको, रिंग पिट के लिए है, और वो जो है रेटून मैनेजर है, पीछे खाद का सिस्टम भी है। अब दोस्तों हम भर लेते हैं फटाफट, तो बबलू भाई ने जो है गदागद गेर दिए हैं कट्टे।
अब 200 यूरिया रखेंगे दोस्तों। अब जो है यहाँ से डाई वाले से खाद वाले गोदाम पे ले चलेंगे सामने। बिल्कुल बिल्कुल, चलो तो भैया दोस्तों अब जो है यूरिया रख लेते हैं।